साहब ने लिया, अब वो आगे के कार्य वो लोग करेंगे। अमरपाली के 1490 फ्लैट के आवंटन को रद्द किया गया है। कोर्ट रिसीवर ने यह आवंटन रद्द किया है। अमरपाली के अलग अलग 24 प्रोजेक्ट में ये फ्लैट मौजूद थे। आवंटन रद्द होने वाले फ्लैट मालिकों को नोटिस देने के बावजूद दस्तावेज जमा नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई। कई नामचीन हस्तियों के नाम पर ये फ्लैट थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं, नौकरियां चली गई जिनकी, जिनके एड्रेस बदल गए, लोग विदेश चले गए और कहीं और शिफ्ट हो गए। तो ये हो सकता है कि जो कोर्ट रिसीवर है उनको लेटर भेज रहे हो, उनको ना मिल पा रहे हो, तो ये छानबीन का विषय है और इसमें जांच का विषय है। कोर्ट को आगे आना चाहिए और ये प्रॉपर्टी को, मतलब पता चलना चाहिए कि प्रॉपर्टी किसने ली है, किसके नाम से है, क्योंकि बहुत सारे, जैसा हम जानते हैं अभी हमारे साथ जैसे पैंडेमिक इश्यूज हो रही है, बहुत सारे लोग नहीं होंगे या बहुत सारे लोग हो सकता है आउट ऑफ कंट्री चले गए होंगे, तो दैट वाज द मेन थिंग। और इसमें बिल्डर को भी एक सक्रिय रूप दिखानी चाहिए सो दैट कि उनकी भी एक ब्रांडिंग इमेज बने। फ्लैट कैंसिल होने की जो मेन वजह है वो ये है कि जो बैंक हैं वो लोन देने में असमर्थ फील कर रहे हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सीआर ने जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक एमओएम साइन कर लिया, उसके बाद जो है उन्होंने अपने आप को सम फ्री कर लिया। तो इससे क्या होता है कि सर जब आप सीआर ऑफिस से ये साफ मना हो जाता है कि सिर्फ एक रिसीविंग भी नहीं दे सकते सीआर ऑफिस, तो उसमें सपोर्ट जो है ना वो लगता है कि सीआर ऑफिस सपोर्टिव नहीं है। उसमें रिसीविंग देने में क्या दिक्कत है? अभी प्रोजेक्ट उनके अंडर में चल रहे हैं, एक तो हमें उसकी क्वालिटी को लेके जरूर बोलना चाहिए और सभी लोग बोलते भी आ रहे हैं इनफैक्ट कि जो क्वालिटी वो लोग डिलीवर कर रहे हैं वो मतलब बहुत ही पैथेटिक लेवल की क्वालिटी है। दूसरा जो डिले है उनके डिलीवर करने में, वो डिले मतलब वो स्ट्रेच होता जा रहा है। सरकारी महकमे में किसी काम को लेकर